ये वाला जो क्वेश्चन है 18 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। मतलब क्या है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी, माने कोई एक एपी लिखा हुआ होगा, मान के चलिए कोई एक एपी लिखा हुआ होगा ऐसे करके, तो इस एपी का फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म, तो टर्म का मतलब हुआ टी, है ना, टर्म का मतलब हुआ टी, और कौन सा टर्म, तो फोर्थ टर्म, और कौन सा टर्म, तो एट्थ टर्म, तो ये दोनों का जो सम दिया है वो दिया है 24। बहुत बढ़िया, तो इसको तुरंत लिख लो, टी फोर को क्या लिख लोगे, ए प्लस 3d, टी एट को क्या लिख लोगे, ए प्लस 7d, और ये हो गया 24। तो यहाँ से a और a जुड़ेगा तो 2a, प्लस 3d और 7d जुड़ेगा तो 10d, और बराबर 24, दो कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस 5d और बराबर 24। तो अगर हम बराबर के उधर इस दो को भेज दें तो वो काट देगा, तो 12 बार में वो कट जाएगा, यानी कि a प्लस 5d का वैल्यू आ गया 12। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब दूसरा कंडीशन देखो, ऑल्सो गिवेन, ऑल्सो गिवेन क्या है देखो जरा, कह रहा है आगे कि द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। माने जो छठवां पोजीशन का टर्म है और दसवां टर्म जो है, दसवां पोजीशन का टर्म है, उन दोनों को जोड़ने पे 44 आ रहा है। तो ठीक है भैया, जोड़ देते हैं, टर्म का मतलब टी और सिक्स, तो सिक्स टर्म हो गया, टेंथ टर्म का मतलब टी और टेन, इसको जोड़ने से क्या आ रहा है 44। इसका फॉर्मूला ए प्लस 5d, क्योंकि 6 है तो एक कम होगा, और प्लस 10 है तो 9 होगा, तो ए प्लस 9d, ये हो गया 44। अब जोड़िए तो a और a मिलके 2a, और 9 और 5 मिलके 14, d बराबर 44। फिर आपसे कहेंगे कि दो कॉमन ले लो आप, तो ये बन जाएगा a प्लस 7d, क्योंकि दो कॉमन हो चुका है, तो 2 × 7 = 14 और 44, ये कट जाएगा कई बार में, 2 × 4 × 2 × 4 इस 2 से, तो इस तरह से आया a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्योंकि अगर a और d निकल जाएगा तो हमारा आगे वाला जो कहानी है वो जो पूछ रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी का पहला 3 टर्म निकालो। तो पहला 3 टर्म के लिए हमको क्या लिखना होगा, a प्लस d और a प्लस 2d, मतलब a और d निकालने का खाली देरी है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो अब क्या करो कि घटा दो। तो यहाँ पे ध्यान दो ना कि दो में से एक घटाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, माइनस वाले इसका चक्कर नहीं आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 1, पहले दो में से एक घटाओ, दो में से एक घटाओ, तो दो इक्वेशन का नाम है a प्लस 7d बराबर 20, तो a प्लस 7d बराबर 22 है, और पहला इक्वेशन है a प्लस 5d, ये कितना है a प्लस 5d का वैल्यू 12। घटाते हैं इसको, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो a में से a गया तो 0, 7 d में से 5 d घटा तो 2 d प्लस में, इसीलिए बोले कि उस उल्टा घटाते तो माइनस बचता, तो 22 में से 12 घटाओ तो 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, प्लस में ही बचेगा, तो यहाँ से d का वैल्यू आ गया 10/2, यानी कि कट के आएगा 5, तो d का वैल्यू आ गया हमारा 5। तो d का वैल्यू अगर 5 आ गया तो इक्वेशन 1 को इम्प्लाई कर लो। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, तो इक्वेशन 1 है a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5 और d का वैल्यू रख दो 5 और बराबर 12 है, है ना, a प्लस 5 और d का वैल्यू रख दिया हम 5 बराबर 12, तो 50 25 50 25, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, a बराबर 12 - 25, तो 25 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 13 बचेगा, है ना, माइनस का 13 बचेगा। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि a का वैल्यू हमारा आ चुका है कितना,
माइनस 13 और d का वैल्यू आ चुका है कितना 5। तो ए जो फर्स्ट थ्री टर्म्स बोला था वो क्या होगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, सबसे पहले तो ए ही होता है, तो ए हो जाएगा माइनस 13। फिर अगला होता है तुम्हारा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का मतलब माइनस 13 और प्लस 5। तो माइनस 13 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा माइनस में, क्योंकि अभी भी ज़्यादा ही होगा। फिर माइनस 8 और फिर प्लस 5, तो फिर माइनस का 3, तो तीन ही को टर्म लिखना था, तो हो गया आंसर। ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि एपी का जो तीन टर्म होते हैं शुरुआत वाले, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी होते हैं, तो निकल गया माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। प्रिंट कर लीजिए।